कन्नौज की शिक्षिका ज्योत्सना तलवाल हंडिया जिला हरदा के विद्यालय में कार्यरत है। वह प्रतिदिन बस से आना जाना करती है। खातेगांव में उन्हें यात्री बस में एक पर्स मिला, जिसे उन्होंने ईमानदारी का परिचय देते हुए बस कंडक्टर को दे दिया। बस के कंडक्टर को पर्स वाले व्यक्ति के नहीं मिलने पर शिक्षिका के पति टोनी शोत्रीय ने पर्स वापस लेकर उसमें रखे ATM, आधार कार्ड, लाइसेंस तथा अन्य कागज के साथ ही 2500 रुपए रखे थे। टोनी ने बैंकों में जाकर ATM के आधार पर संबंधित का मोबाइल नंबर निकाला, जिसका नाम दिनेश पोपले, निवासी इंदौर, हाल मुकाम खातेगांव सामने आया। उसे फोन कर कन्नौज बुलाया, जहां एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा की उपस्थिति में पहचान बताने के बाद उस पर्स को वापस लौटाया। एडिशनल SP शर्मा ने शिक्षिका की सराहना करते हुए सभी से इसी तरह ईमानदारी की मिसाल कायम करने की बात कही। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। सुनना में आप पर कहां रहते हैं आप? दिनेश चंद पोपली। कहां रहते हैं? वैसे तो इंदौर रहता हूं, पर टेंपरेरी खातेगांव में। ये ईमानदारी की शिक्षिका ने जो मिसाल कायम की, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर ये कहना है कि इनकी भावनाओं और उसकी बहुत ज़्यादा वो है। मैं कुकर भाई साहब ने मेरे को बोला कि यार मैं 1.5 घंटा बैंक पे ये परेशान होते रहे सिर्फ मेरे से कांटेक्ट करने के लिए। उसके बाद मुश्किल से कांटेक्ट हुआ कि आप इनसे पूछ लो कि मेरी आवाज़ में ऐसा हो गया कि यार सही में आदमी इतना करता है क्या। तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। आपका पर्स में शिक्षिका है और उसने एक मिसाल कायम करी, इसके लिए तो दो शब्द क्या बहुत सारे शब्द बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप हमेशा ऐसे ही रहें, कोई ज़्यादा अच्छा। अच्छा, पर्स में क्या क्या था? पर्स में मेरे से निजी चीज़ें थी और कुछ पैसे थे। पैसे का अमाउंट बता रहे कि मैं अपने आप को शर्मिंदा करना नहीं चाहता। जो भी थे अच्छे थे, चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। सब आपको सामान प्राप्त हो गया? हाँ। क्या है पूरा मामला बताएं आप? नमस्ते, मैं शिक्षिका श्रीमती ज्योत्सना तड़वाल, मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हंडिया में पदस्थ हूँ। मैं रोजाना डेली बस से आना जाना करती हूँ, अप डाउन करती हूँ मेरी जॉब के लिए। तो बस में मुझे कल पर्स मिला, मुझे मालूम पड़ा किसी सज्जन व्यक्ति का पर्स है, तो मैंने नहीं बिल्कुल कंडक्टर जी को पर्स दे दिया बस में कि ये पर्स उनके पास तक वो लौटा दे। अब उन्होंने पर्स ये लौटाया नहीं लौटाया, फिर मैंने मेरे पति से संपर्क करा, मेरे पति को मैंने बताया कि मुझे पर्स मिला था, तो मैंने वो कंडक्टर को दिया है। मेरे पति ने उनसे संपर्क करके कि किस व्यक्ति का पर्स है, अपने बैंक से जाकर उन्होंने तलाश जारी की। खोजबीन करने के बाद मालूम पड़ा कि हाँ, ये इस नाम के व्यक्ति का पर्स है। और पर्स लेकर उस व्यक्ति तक मैंने ये संपर्क करके उन तक ये बात पहुंचाई कि ये पर्स आपका है। तो मैं आज कन्नौज जिला देवास कन्नौज तहसील एडिशनल SP साहब के निर्देशन में आज उस व्यक्ति तक मैं पहुंच गई हूं कि जिस व्यक्ति का पर्स है, मैं आज उसको ये पर्स देना चाहती हूं। सर, आज शिक्षिका ने एक मिसाल ईमानदारी कायम की, आप क्या कहना चाहेंगे? आज सुबह कन्नौज के रहने वाले एक नागरिक प्रदीप स्रोती जी का मेरे पास फोन आया कि उनकी पत्नी ज्योत्सना तलवार, जो कि हंडिया में टीचर है, उनको यादव बस सर्विस में एक पर्स मिला है और उस पर्स को उनने कंडक्टर को दे दिया है। और इतना कहने के बाद मैंने उनको कहा कि आप मुझे डिटेल भेज दो, मैं व्हाट्सएप पर इसको पूरे थाने और हरदा जिले में प्रचार प्रसार कर दूंगा और जैसी खबर आएगी तो कंडक्टर से उसको वापस दिला देंगे। ये बहुत अच्छी बात है आज के इस घोर कलयुग में। वो प्रदीप स्रोती जो थे वो बड़े मेरी इस बात को और गंभीरता से लेते हुए स्वयं उस यादव बस सर्विस के कंडक्टर से उस पर्स को लेकर और उस पर्स में जो भी डिटेल्स थे बैंक के ATM से बैंक मैनेजर से जाके वेरीफाई करते हुए उसे दिनेश चंद्र पोपली नामक व्यक्ति से संपर्क किया और उनको आज शाम को यहाँ कन्नौज बुलाया और उसको मेरे सामने उस पर्स को वापस कर रहे हैं। आज के इस घोर कलयुग में इस तरह की ईमानदारी की मिसाल पेश करना, ये दोनों प्रदीप स्रोती और ज्योत्सना तलवार दोनों पति पत्नी के लिए बड़े गौरव की बात है और कन्नौज का ये संस्कार बताता है कि अभी भी लोगों में ईमानदारी जिंदा है। और इस तरह से किसी की खोई हुई चीज़ को किसी को लौटाना, ये बहुत जो दिनेश चंद्र हैं उनके भी अच्छे कर्म हैं जिनका ये नतीजा है। मैं इन दोनों पति पत्नी को बधाई देता हूँ और दिनेश चंद्र जी को भी बधाई देता हूँ कि उनके कर्म अच्छे हैं, कि खोई हुई चीज उन्हें प्राप्त हुई। इन सभी को बहुत बहुत बधाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।